खबर वहां एबीपी न्यूज, जहां चीता वहां एबीपी न्यूज। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से, जहां नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। इसके अलावा देश भर में आज बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे के मौके पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जन्मदिन कैसे यादगार बना? यादगार बना इन 8 चीतों के आगमन के साथ ही, क्योंकि 1952 के बाद 70 साल बाद अब मौका आया है जब भारत में चीतों का स्वागत किया गया। चीते अब भारत में आ चुके हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को दिया है ये रिटर्न गिफ्ट। हर एक तस्वीर, हर हलचल हम आपको दिखा रहे हैं कूनो के नए मेहमानों से जुड़ी हुई, और साथ ही इन चीतों के साथ इन चीतों की तस्वीरें लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। किस तरह लीवर घुमाकर उन्हें इस बाड़े से, उनके इस केत से उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। और उसके बाद जब चीते बाहर निकले तो प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरे पर भी अपना हाथ आजमाया और इन चीतों की तस्वीरें लेते हुए वो नजर आए। तो अब भारत के पास भी चीता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर न सिर्फ नामीबिया का आभार जताया बल्कि ये भी कहा गया कि इतने साल लग गए इस मौके के लिए क्योंकि चीतों के संरक्षण में कोई ध्यान नहीं दिया गया और कितनी बर्बरता के साथ, निष्ठुरता के साथ आखिरी 3 चीतों की हत्या कर दी गई और शिकार किया गया उनका। और अब चीतों की वापसी के लिए सरकार ने किस तरह प्लान बनाया, कैसे काम किया गया और इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कमिटमेंट दिखाया गया जिसके बाद इन चीतों की वापसी हुई। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। तो बड़ी आसानी से साल 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया चीतों को भारत से, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई यहां पर कदम नहीं उठाए गए, ना ही वो चेष्टा करती हुई सरकारें नजर आई। और अब ये वापस लाए गए हैं नामीबिया से 8 चीते। आने वाले समय में कुछ और अफ्रीकन चीते भी वापस लाए जाएंगे भारत के अंदर, लेकिन फिलहाल इन चीतों को 1 महीने के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा ना सिर्फ इनका आगमन पर्यावरण में मददगार होगा बल्कि रोजगार व्यापार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पर्यटन में इजाफा होने के साथ ही ये हिदायत भी दी है कि अभी थोड़ा अपने कौतूहल को सीमा में रखिए, अभी फिलहाल इनको देखने की इजाजत नहीं होगी, प्रतिबंध रहेगा। तो ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद, कुछ समय के बाद ही इन चीतों को देखा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल इन चीतों को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ की मिट्टी को, आबो हवा को समझने दीजिए और उसके बाद चीते किस तरीके से यहाँ पर खुले में घूमते हुए नेशनल पार्क में नजर आएंगे वो हर कोई देख पाएगा। लेकिन ये रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को दिया है और इसीलिए लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, हर हलचल कूनो नेशनल पार्क से आपको बता रहे हैं। और एबीपी न्यूज का दर्शक भी कह रहा है वेलकम बैक चीता। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।